नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सौरभ और आपको बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल टेक सौरभ पे। दोस्तों आज की वीडियो में बात करने वाले हैं जीमेल के कॉन्फिडेंशियल मोड के बारे में। दोस्तों आज की वीडियो में आपको बताऊंगा कि ये मोड क्या है और आप इसे कैसे यूज कर सकते हैं और साथ ही साथ इसके बेनिफिट क्या है। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं हमारी आज की वीडियो। लेकिन हमारी आज की वीडियो में आगे बढ़ने से पहले जो व्यूअर हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं, व्यूअर चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें और साथ ही साथ इस बेल नोटिफिकेशन के आइकन को और भी जरूर सेट कर दें ताकि हमारे लेटेस्ट अपडेट आप तक जल्द से जल्दी पहुंच सके वो बिना किसी देरी के। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं हमारी आज की वीडियो। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं कॉन्फिडेंशियल मोड के बेनिफिट्स के बारे में। तो दोस्तों मान लीजिए आप किसी को ईमेल कर रहे हैं लेकिन आप नहीं चाहते कि 7 दिन से ज्यादा वो ईमेल उसके पास रहे, तो आप ऐसे में क्या कर सकते हैं, कॉन्फिडेंशियल मोड को यूज कर सकते हैं। या फिर आप किसी ऐसे पर्सन को ईमेल कर रहे हैं जो कि 2 या 3 पर्सन यहाँ पे एक ही ईमेल आईडी को यूज कर रहे हैं, तो ऐसे में आप पासवर्ड प्रोटेक्टेड ईमेल उसको भेज सकते हैं और जिस भी पर्सन को आप चाहते हैं कि वो ईमेल को यहाँ पे देखे तो आप उसको यहाँ पे पासवर्ड भेज सकते हैं जिसको एंटर करने के बाद वो ईमेल को ओपन कर पाएगा। तो दोस्तों आइए मैं आपको इसकी पूरी प्रोसेस दिखा देता हूँ। तो चलिए इसके लिए चलते हैं अपने मोबाइल स्क्रीन की ओर। तो दोस्तों जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं हम अपने एंड्रॉइड फोन पे आ चुके हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे जीमेल के ऐप को ओपन कर लेते हैं, यहाँ पे कंपोज पे क्लिक करेंगे। तो दोस्तों कंपोज पे क्लिक करने के बाद हम कंपोज मेल वाले सेक्शन में आ गए हैं। तो यहाँ पे ऊपर आपको 3 डॉट्स दिखाई दे रहे होंगे, आपको सिंपली इस पे क्लिक करना है। यहाँ पे आप तीसरे नंबर पे एक ऑप्शन देख सकते हैं कॉन्फिडेंशियल मोड की, आपको इस पे क्लिक करना है। यहाँ पे आप देखें अभी कॉन्फिडेंशियल मोड यहाँ पे ऑन हो गया है। यहाँ पे आप देख सकते हैं पहली ऑप्शन आपको मिल रही है एक्सपायरी की, जिसका मतलब है एक्सपायर इन 1 वीक, यानी कि जिसको भी आप ईमेल सेंड करेंगे वो 1 हफ्ते के बाद उसके इनबॉक्स से अपने आप ही गायब हो जाएगी। आप इसको घटा और बढ़ा भी सकते हैं, जैसे कि देखिए एक्सपायर इन 1 डे, 1 वीक, 1 मंथ, 3 मंथ और 5 ईयर्स। दूसरी ऑप्शन यहाँ पे देखते हैं पासकोड की, यहाँ पे आप कोई भी पासकोड लगा सकते हैं और अगर आप चाहें तो SMS पासकोड भी यहाँ पे लगा सकते हैं। स्टैंडर्ड में आप अपना पासकोड देंगे जो कि आप दूसरे पर्सन के साथ शेयर करेंगे, लेकिन जो यहाँ पे SMS पासकोड होगा वो उस पर्सन के मोबाइल नंबर पे चला जाएगा। तो चलिए यहाँ पे SMS पासकोड को यहाँ पे यूज करते हैं, इस पे क्लिक करते हैं, सेव पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे अपनी ईमेल आईडी दे देते हैं, ऐसे कोई डमी मैसेज कर देते हैं हाय हाय, इसे सेंड करते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं हमें एक ऑप्शन आ गया है मिसिंग इन्फॉर्मेशन, यहाँ पे ऐड मिसिंग इन्फॉर्मेशन पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे हमें फोन नंबर देना है सामने वाले पर्सन का जिसको हम ईमेल सेंड कर रहे हैं, तो नंबर दे देता हूं। तो जहां पे मैंने नंबर एंटर कर दिया है अभी डन पे क्लिक करेंगे और सेंड पे क्लिक करेंगे। तो दोस्तों जहां पे हमारी ईमेल सेंड हो चुकी है, अभी जब तक मैं यहां पे OTP को नहीं डालता वो ईमेल ओपन नहीं हो पाएगी। तो आई होप आपको पता चल गया होगा कि ईमेल में कॉन्फिडेंशियल मोड क्या है। तो दोस्तों हमारी आज की वीडियो में इतना ही, आशा करता हूं आज का वीडियो आपको अच्छा लगा। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक जरूर कर दें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और साथ ही साथ वीडियो के रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आपके मन में है तो आप वीडियो कमेंट बॉक्स में लिख के पूछ सकते हैं, हम आपका जवाब देने की पूरी कोशिश करेंगे। वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद।